दोस्तों, एक यूट्यूबर का जो यूट्यूब का सफर होता है उसमें जरूर सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके व्यू बढ़ना वीडियो पर और उसके सब्सक्राइबर का बढ़ना। आपने कई बार देखा होगा कि आप इस तरह की जो वीडियो होती हैं जिसमें कि सब्सक्राइबर के काउंट अपने आप लाइव बढ़ते रहते हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि ये कैसे वीडियो बनाई जाती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से अपने चैनल के लाइव सब्सक्राइबर काउंट को देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे रिकॉर्डिंग सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने चैनल के जो लाइव सब्सक्राइबर काउंट है उसको हम कहाँ से देखते हैं, कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको सब बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपने ब्राउजर पे चले जाइए। मैं अपने ब्राउजर पे चले जाता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपने सर्च करना है studio.youtube.com। जब आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोबाइल से अलग होता है, ये जो इंटरफेस है ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हमारा जो वर्जन खुल जाता है। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनके पास मोबाइल है और लैपटॉप नहीं है, तो उसी में हमको जो है लाइव सब्सक्राइबर काउंट दिखाई देगा। इस तरह का जब आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ पर देखिए अपने चैनल का डैशबोर्ड जो खुल रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर लिखा है चैनल डैशबोर्ड। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एनालिटिक के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर से देखो इसको इस तरह से ढूंढिए, आप इस पर टच करेंगे देखो एनालिटिक का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो इस चैनल एनालिटिक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस बहुत इजीली से खुल जाएगा। अब आप इस तरह का जो इंटरफेस आप खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप राइट साइड पे इधर को आएंगे। राइट साइड पे अब राइट साइड पे आप आइए, मैं आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पर देखो जहां पर मेरे चैनल का लोगो बना हुआ आ रहा है वहां पर ये देखो एडवांस मोड का एक ऑप्शन है, उसके नीचे एक रियल टाइम का है ऑप्शन, और उसके बाद देखो यहाँ पर देखो मेरे सब्सक्राइबर हैं और उसके नीचे ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड लिखा हुआ है सी लाइव काउंट। बस दोस्तों, यहीं पर वो ऑप्शन है। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल गया है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा जो है ये मेरा लाइव काउंट आ रहा है, तो ये लाइव ही है। इस बात का क्या गारंटी है कि ये लाइव है? तो देखो इसको मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देखो ये देखो यहां पर देखो अपडेट लाइव, ये इस बात का सबूत है कि ये लाइव अपडेट चल रहा है। मतलब कोई अगर मुझे सब्सक्राइब करेगा तो यहां पर वो स्क्रॉल करते हुए मेरे जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो आएगा। अब आप इसको डॉट को देखोगे ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, आप गौर से देखो ये ब्लिंक कर रहा है जैसे कि ये बताता है कि ये लाइव जो है अभी मेरा अकाउंट चल रहा है। आप एक बार फिर देखो ये कैसे ब्लिंक करता है, ये देखो दिख रहा है ना। तो इस तरह का जो इंटरफेस है बस आप इसकी मदद से जो है आराम से वो शॉर्ट्स बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए और अपने शॉर्ट्स पे लगा दीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके लाइफ में भी वो दिन आए कि आपके सब्सक्राइबर लाखों में हो जाएं और आप इस तरह के शॉर्ट्स बनाइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपकी कोई क्वारीज हैं, आप किसी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए मैसेज बॉक्स में, वहां पर मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।